हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरन बाई। मेरे सामने तीन तरीके के फेस वॉश हैं, एक ऑक्सीवेदा का है, दूसरा नेचर्स का है, तीसरा निम्सन का है। आज हम इनमें से कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेस्ट फेस वॉश है जिसको हमको डेली यूज़ कर सकते हैं और जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमको नहीं होंगे। मैंने काफ़ी सारे फेस वॉश लिए हैं, इसमें ऑक्सीवेदा के मैंने 5 तरीके के फेस वॉश लिए हैं। इनके बारे में भी बताऊंगा और इनको हम कैसे कैटेगराइज करें कि कौन सा हमको यूज़ करना चाहिए और कौन सा नेचुरल प्रोडक्ट है और किस में केमिकल नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑक्सीवेदा फेस वॉश से। सिम्को ऑक्सीवेदा फेस वॉश जनरली सोप फ्री हर्बल फॉर्मुलेशन द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो सबसे बेहतरीन बात है, वो ये है कि ये सोप फ्री फेस वॉश है। नीम फेस वॉश में नीम और टर्मरिक होता है। नीम अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है और हल्दी पिंपल्स और एक्ने को कम करता है। ये 100% सोप फ्री है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए एक अच्छा फेस वॉश है। दूसरा पपाया फेस वॉश। पपीते में त्वचा को गोरा करने वाले गुण होते हैं। ये दाग धब्बों से छुटकारा दिलाता है। पपीते में पापेन नाम का एंजाइम होता है जो एक अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। ये डेड सेल्स को हटाता है। केसर फेस वॉश के बारे में बात करें तो केसर और कुकुम्बर, ये दोनों ही चीज़ें फेस के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सेफ्रन या केसर में ऐसे तत्व होते हैं जो चेहरे को लाइटन और ब्राइटन करते हैं। कुकुम्बर में माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारे फेस वॉश में आपको ऑक्सीवेदा के बारे में बता रहा हूँ। एप्रिकॉट फेस वॉश, इसमें एप्रिकॉट और एलोवेरा होता है। ये रिंकल्स को कम करता है जिससे आपकी त्वचा जवान दिखती है। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं। एप्रिकॉट में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है और एलोवेरा अपने नेचुरल लुक देने के लिए जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसका ऑक्सीवेदा का एप्पल फेस वॉश। ये फेस वॉश एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसमें एप्पल के सारे गुण होते हैं। ये सेल और टिश्यू डैमेज से बचाता है जिससे स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहती है। ये 5 तरह के ऑक्सीवेदा के फेस वॉश मैंने आपको बताए। ये सारे ही सोप फ्री हैं। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। हम इस फेस वॉश के क्वालिटी, रेट और इंग्रेडिएंट्स सोप फ्री की वजह से इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम इसको नंबर 1 पर रखते हैं अभी। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे फेस वॉश के बारे में। आपको बता दूं यहाँ पे कि ये 65 ml के फेस वॉश हैं सारे ही और इनकी MRP अप्रोक्सीमेटली 60 रुपये के आसपास है। सारे ही 60 रुपये के हैं इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये रेट वाइज भी ठीक है, क्वालिटी वाइज ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट सारे नेचुरल यूज़ किए गए हैं और ये सारे ही सोप फ्री हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर्स के फेस वॉश के बारे में। ये सबसे पहला फेस वॉश जो मैंने लिया है वो पपाया फेस वॉश है। पपाया के बारे में बार बार हम नहीं पढ़ेंगे कि उनके क्या गुण हैं। हम अब इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जो नेचर्स एसेंस के पपाया फेस वॉश में इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो हैं सोडियम सिलिकेट। नेचर्स के फेस वॉश में केमिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इस पे जो लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और ये, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी। ये मार्क्स को जल्दी फेड करते हैं, चेहरे को गोरा करते हैं, वो सारे गुण तो इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ किए हुए हैं। तो इसको मैं अभी 2nd नंबर पर रखूँगा। इसके बाद 3rd नंबर पर बात करता हूँ निम्सन पपाया फेस वॉश के बारे में। निम्सन के फेस वॉश के बारे में बात करें तो ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है और GMP सर्टिफाइड है। GMP सर्टिफाइड का मतलब हुआ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, क्लिनिकली प्रूवन है। लेकिन अगर हम इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें भी हल्के से केमिकल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। एप्पल फेस वॉश के बारे में बात करूं इसका तो ऑयल बैलेंसिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। ये ऑल स्किन टाइप के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा है D10 फेस वॉश। पपाया फ्लॉलेस इवन टोन स्किन फेस वॉश है ये, और ये भी निम्सन का है और इसमें भी ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है।
इसमें भी जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो दोस्तों मैंने सारे ही फेस वॉश देख लिए हैं और मुझे जो समझ में आता है कि मैं सबसे पहले आपको ऑक्सीवेदा फेस वॉश यूज़ करने की सलाह दूंगा, सेकंड में निम्सन फेस वॉश इस्तेमाल करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है और इसकी खासियत यह है कि इसमें जो सब्सटेंस यूज़ हुए हैं उसमें जैसे एप्पल है तो एप्पल का अर्क इस्तेमाल हुआ है, पपाया फेस वॉश है तो पपाया अर्क इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके से ये फेस वॉश बने हैं। और तीसरे नंबर पर रखूँगा नेचर्स एसेंस का फेस वॉश। तो दोस्तों रिव्यू में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीवेदा फेस वॉश के 5 फेस वॉश रखूँगा, सेकेंड पे निम्सन के, तीसरा में नेचर्स एसेंस के। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।